अगर भोपाल की करें, मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर भी उपचुनाव को लेकर ही कांग्रेस की तैयारियां चल रही हैं। उम्मीदवारों के चयन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आज होगी। जानकारी आपको दे दे, बुधनी और विजयपुर ये दो सीटें हैं जहां मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना है और उम्मीदवारों के चयन को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के निवास पर महत्वपूर्ण बैठक होगी। दोनों समितियों के सदस्य चर्चा करेंगे। बुधनी विजयपुर सीट पर रायशुमारी होगी, रायशुमारी के बाद पैनल तैयार किया जाएगा। हालांकि कई नामों का पैनल दिल्ली भेजा गया है, लेकिन आपको ये भी जानकारी दे दें कि कई नाम है, हालांकि बीजेपी की ओर से भी सीट को लेकर तैयारियां हैं। कांग्रेस की ओर से एक बार फिर से आपको स्पष्ट कर दें कि चेहरा अभी कोई साफ नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि दोनों ही सीटों पर, यानी कि बुधनी और विजयपुर दोनों सीट को लेकर कांग्रेस किसी आदिवासी चेहरे पर दांव खेल सकती है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के निवास पर महत्वपूर्ण बैठक होगी और इन दोनों सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर कांग्रेस जमीनी स्तर पर काम भी कर रही है। सीनियर लीडर्स ने डेरा भी जमाया हुआ था, मंथन जमीन पर उतरकर किया जा रहा है, जनता को के बीच पहुंचा जा रहा है। प्रत्याशी कौन होगा इस पर मंथन आज किया जाएगा होने वाली बैठक में। सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए, सीधे रुख करते हैं। सूरज, तारीखों का ऐलान तो हो गया है, लेकिन अब नजरें हैं कि आखिर प्रत्याशी कौन होगा, और खबर ये भी है कि बुधनी और विजयपुर दोनों सीटों पर कांग्रेस कोशिश कर रही है कि किसी आदिवासी चेहरे को ही उतारा जाए। देखिए, बिल्कुल लगातार कांग्रेस की तैयारी है और पिछले दो दिन तक लगातार बुधनी की बात हो या विजयपुर की बात हो, तो कांग्रेस की जो चुनाव समिति के सदस्य थे वो लगातार रायशुमारी करके लौटे हैं। ब्लॉक लेवल तक तो कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई है कि उम्मीदवार कैसा हो। इस बार प्रयास ये भी किया जा रहा है कि सिर्फ लोकल उम्मीदवार ही जो है वो पार्टी का चेहरा बनकर सामने आना चाहिए। इसके साथ ही आदिवासियों की बात करें तो दोनों सीटें आदिवासी बाहुल हैं। विजयपुर में भी आदिवासी जो मतदाता है वो बड़ी संख्या में है, साथ बुधनी में भी बात करें तो करीब 50 से 60 हज़ार आदिवासी मतदाता है। ऐसे में कांग्रेस की यही तैयारी है कि इन क्षेत्रों से आदिवासी उम्मीदवार दिया जाए। इसमें खासतौर से विजयपुर की बात हो तो विजयपुर से मुकेश मरोत्रा सहित अतुल चौहान का नाम है। इसके साथ ही यदि बुधनी की बात करें तो 3 से 4 नामों का पैनल तैयार किया जा रहा है, लेकिन बुधनी में आदिवासी चेहरे के तौर पर कोई बड़ा नाम सामने नहीं आ रहा है। एक जिला पंचायत सदस्य जरूर है, लेकिन अब देखना है वो किस तरीके से यहाँ पर उम्मीदवार का चयन होता है, क्योंकि कांग्रेस भी इसी उम्मीद लगाकर बैठी है कि यदि बीजेपी एक आदिवासी और एक दूसरे चेहरे को यदि उतारती है तो वैसा ही कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से उतारेगी। इसको लेकर लगभग नामों का पैनल भी तैयार हो चुका है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के निवास पर आज बैठक होना है, जहां पर दोनों सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर बातचीत की जाएगी और जो को नामों का पैनल तैयार होगा वो 20 तारीख को जो बैठक होगी दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की, उसमें रखा जाएगा। तो लगभग कांग्रेस की तैयारी भी यही है कि लगभग 20 से 21 तारीख तक कांग्रेस के चेहरे हैं वो सामने आ जाएंगे। आदिवासी चेहरा और उसके साथ ही स्थानीय प्रत्याशी को मौका देने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की जा रही है, लेकिन इस पर सबकी नजर टिकी है कि आखिर प्रत्याशी कौन होगा। फिलहाल शुक्रिया आपका सूरज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।